नजदीक आते ही विभिन्न कार्यक्रमों से लोगों के बीच होली के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी संदर्भ में शहर के वर्धमान नगर में श्री राधा कृष्ण उत्सव मंडल द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राजस्थानी चंग का बड़ी ही धूमधाम के साथ लोगों ने आनंद लिया। इस कार्यक्रम में होली को राजस्थानी संगीत के साथ राजस्थानी ढंग में होली उत्सव मनाया गया। नागपुर में श्री राधा कृष्ण उत्सव मंडल द्वारा पिछले 26 सालों से होली उत्सव को इसी तरह मनाए जाने की परंपरा निभाई जा रही है। इस कार्यक्रम में मंदिर में राजस्थानी चंग व धमाल सुनाए जाते हैं, जिसके प्रति लोगों में भारी उत्साह देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं बच्चों समेत लोगों ने हिस्सा लेकर भरपूर आनंद के साथ होली का उत्सव मनाया। ये हमारी राजस्थानी परंपरा है, जिसमें होली को चंग के साथ अनेक तरह के राजस्थानी गीतों के साथ मनाया जा रहा है। और नागपुर में पिछले 26 साल से ये परंपरा निरंतर निर्वाध रूप से चल रही है। धन्यवाद विसियन, हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप हमारे मंडल राधा कृष्णा उत्सव मंडल के अंदर आए हैं, और ये सारे लोग हमारे नागपुर के सब व्यापारी बंधु हैं, जो अपना कीमती समय यहाँ पे देते हैं। और ये जो हम आयोजन करते हैं, इसका किसी प्रकार का हमारा शुल्क नहीं रहता है। और सभी के घर पे जो हमसे बोलता है कि आज हमारे घर पे आओ, जिनके घर पे बच्चा होता है या जो भी छोटे मोटे खुशी के प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर हम जाते हैं और बहुत अच्छे से बनाते हैं। हम कोई एक है ये इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी यूज नहीं करते, जो पारंपरिक जो पुराने लोग जो वाद्य यंत्रों को यूज करते थे। और हमारा मकसद यही है कि हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको बताएं कि आप जो शाम के टाइम मोबाइल को यूज करते हो, प्लीज ऐसी चीज़ों में यूज करिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मारवाड़ी आदमी मारवाड़ तो छोड़ सकता है, लेकिन मारवाड़ को जो दिल में बसाए रखता है, उसी का उदाहरण होली के माध्यम से जहाँ भी जिस स्टेट में जाता है, कि आज हिंदुस्तान के जितने स्टेट है सारे के सारे स्टेट में होली का यह कार्यक्रम होता है। हर क्षेत्र में मारवाड़ी आपको यही कार्यक्रम का एंजॉय करते हुए मिलेगा। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको बच्चे से लेकर बूढ़े तक अगर तीन पीढ़ियां एक साथ सुन रही है तो भी आराम से सुन सकती है। हर्षोल्लास और संस्कृति जिंदा रखने वाला कार्यक्रम है। मैं इस टीम का अभिनंदन और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया।